थोड़ा पीछे चले जाएं तो अंबारान है, जहाँ से बुद्ध के प्राचीन अवशेष जो हैं मूर्तियों के और बुद्ध स्तूप जो थे वो मिले थे। यहाँ पे ये पांडव गुफा बताई जाती है, यहाँ कहा जाता है कि पांडव जो हैं वो आए थे यहाँ पर। उसके आगे जियोपोता घाट है और ऊपर किला है, और किला जो है वो क्या बताया आपने, राजा विराट। हाँ, ये आदमी बहुत गुस्से में है भाई, कौन है ये? वो ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही, कोई बात नहीं, आप करो अपना काम। हाँ, हम करें। कुछ लोग, हाँ, गुस्सा भी आ जाता है कुछ लोगों को। ये आपके भाई हैं? नहीं, ऐसे ही है, कोई है घर में, थोड़ी फंक्शन थोड़ा। अच्छा, फंक्शन है। तो ये चलिए ठीक है, ये घर, हर घर की परेशानी है, कोई ना कोई बंदा होता है जिसमें थोड़ा सा गुस्से की भावना ज़्यादा रहती है। उनका खाना खाने का टाइम हो गया, तो वो दिखाइए जरा उनको। कोई बात, आओ अपना काम करो। तो वो गुलाब सिंह की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर मियाँ डिड्डो की बात नहीं करते, वो क्यों? इसका लोगों को ज्ञान कम है मेरे। हाँ, मतलब सही कौन था, महाराजा रंजीत सिंह ठीक थे जहाँ वो ठीक थे मियाँ डिड्डो? नहीं, उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी है ही नहीं, ना कहीं सुनी है, ना किताबों में कभी पढ़ा है, मैं क्या कहूँ। ये तो इस खबर को या फिर इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा शेयर करिए, कोशिश करिए कि इस जियोपोता घाट की और इस दरिया चनाब की कहानी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये कहानी लोगों से जुड़ी हुई है और लोग इस पार के क्या सोचते हैं, उस पार के क्या सोचते हैं, वो पत्थरों का शहर क्यों कहते हैं, हकीकत में ये बहुत प्यारा शहर है, और इस प्यारे शहर को पत्थरों का शहर क्यों कहा गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दरिया चनाब की जो कहानी है, सोनी महिवाल की कहानी जो चलती है, वो कहानी क्या है? इन्होंने कहा कि ये महाभारत से जुड़ी हुई, सोनी महिवाल से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमें बताई हैं। तो ये कहानी दरिया चनाब की, दरिया चनाब के बीच में बैठ कर के जो रिकॉर्ड की है, कैमरा के पीछे आज मेरे भाई जो नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा प्यार, ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन इस गाने को सुना मैंने भी था, लेकिन दरिया का एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। इस वक्त मैं अखनूर के उस दरिया के बीचों बीच हूँ, जिस दरिया के बारे में हम लोगों ने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, कई लोगों ने इस कश्ती में, इस बेड़ी में इस दरिया का सफ़र भी किया होगा, उस पार से इस पार भी आए होंगे। लेकिन उस पार से इस पार लेकर आने वाले व्यक्ति जो हैं उनसे भी बात करवाएंगे। उससे पहले मैं दिखाऊं कि इसके साथ साथ जो जंगल है, ये धार्मिक स्थल हैं, वो पीछे आप गुरुद्वारा देख रहे होंगे, और उसके पीछे वो लोहे का पुल, जब आप जम्मू से अखनूर या अखनूर से जम्मू जाते हैं तो आप लोगों को कुछ मिनटों के लिए रोक दिया जाता है। इसलिए रोक दिया जाता है कि इस तरफ की गाड़ियां उस तरफ क्रॉस हो जाएं। हालांकि एक नया पुल उसके पीछे तैयार कर दिया गया है, पर इस पुल से निकलने के लिए अभी भी निकलने का शौक रखते हैं, वो प्रायोरिटी पर इस पुल को रखते हैं, आदत है, कई सालों से वो इस पुल का इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। समय समय पर इस पुल को यहाँ आर्मी जो है वो चेक करती है, पुल ठीक है या नहीं है, रोज़ इसकी चेकिंग होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इस दरिया की और दरिया के साथ जुड़े हुए इतिहास की। इस दरिया का इतिहास क्या है, इस दरिया का नाम चेनाब क्यों है, और इसके साथ में जो गुरुद्वारा है, इसके साथ में जो धार्मिक स्थल हैं, इनका महत्व क्या है, और वो जो एक किला है जिस किले को महाराजा रंजीत सिंह का किला कहा जाता है, लेकिन अभी सुनने में आया है कि ये महाराजा रंजीत सिंह का किला नहीं है, फिर ये किला है किसका, और महाराजा रंजीत सिंह का इस किले के साथ क्या संबंध है? जियोपोता घाट जिसकी चर्चा हमेशा रही है, डोगरा शासनकाल का इतिहास इससे क्या जुड़ा हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें आपको बताने का प्रयास आज हम करेंगे। तो दरिया चनाब के बीचों बीच हम हैं इस कश्ती में। जितना खौफनाक मंज़र इस दरिया चनाब का है जहाँ लोगों के दिमाग में है, क्योंकि कई सारे लोग आत्महत्या करते हैं इस दरिया में, और उतना ही खूबसूरत ये दरिया चनाब है। कुलदीप जी, इस दरिया चनाब का इतिहास क्या है, थोड़ा अगर मुझे बताइए आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ बताइए दरिया चनाब का इतिहास क्या है इसका। दरिया चनाब को लोग चंद्रभागा भी कहते हैं। चंद्रभागा, हाँ, दो नामों से जाना जाता है जी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवा, और जहाँ मचेर माता उधर दो नाले आते हैं, कट मार दा फिर उनका, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है बागा। अच्छा, चंद्रभागा। और उसके बाद जो नाले और भी पड़ते हैं, उसके बाद कई नाले पड़ते हैं,
वो जो अलग नाले पड़ते हैं उसकी वजह से इसका नाम में थोड़ी तब्दीली आ गई, नाम पड़ गया चंद्रभागा, मतलब चिनाब। लोगों को चिनाब का ही ज़्यादा पता है, इस नाम से जाने जाते हैं लोग, लेकिन है चंद्रभागा, चंद्रभागा भी है उधर से, चंद्रभागा है। हाँ। और उसके बाद जो नाले अलग डाले आए हैं इसमें, इसका नाम चिनाब पड़ गया। लेकिन जो चीन से भी इसका कोई संबंध है। अच्छा, चीन से भी? हाँ, कुछ पानी जो है उधर से भी आता है, छोटे छोटे नाले आते हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर जो पिघलते रहते हैं। हाँ। और नाले आते हैं और उसमें पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप ये कश्ती जिसे बेड़ी भी कहा जाता है, आप कब से चला रहे हैं? 1985 से पहले हमारे पिताजी चलाते थे, उसको पहले हमारे गांव के कोई ठेकेदार थे वो चलाते थे। 1934 के पहले जहाँ बहुत बड़ी किश्ती चलती थी और जो जम्मू में व्यापार होता था, सामान लाते थे, गाड़ी का इंतजाम नहीं था और नहर में किश्तियाँ चलती थी, उधर से सामान लेके बूढ़ा पत्तन गाँव का था, नाम तो भी पड़ा, पत्तन का मतलब है बंदरगाह, बंदरगाह भी हम कह सकते हैं। तो उधर से सामान उठाते, काफ़ी बड़ी किश्ती थी जिसमें 2 ट्रक माल आ जाएगा। अच्छा। और 400-500 आदमी सवारी भी इसमें आ जाएगी, काफ़ी मजबूत और काफ़ी लंबी। हाँ। और चलाने में भी वो उसमें ताकत ही चाहिए, पुराने लोग थे, 80 खुराकें खाते थे भाई, तो उनके पास ताकत ही चलाते थे, तभी गुजार चलता। ना इसका कोई स्टीयरिंग है, ना इसमें कोई मोटर है, और आप बड़े आराम से इसे काट दे रहे हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और दरिया की उल्टी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। उधर से दरिया जो है चिनाब इस तरफ आ रहा है और इस तरफ पाकिस्तान है, और ये दरिया यहाँ से आ रहा है, लेकिन आप उल्टी साइड लेकर के जा रहे हैं और ये चलता जा रहा है बिना चप्पू के। आप ये हम पानी का हिसाब लगाते हैं। हाँ। पानी का हिसाब कैसा है, कहाँ तक ला, कोई पानी के नारे लगाता है, कोई बाहर को दबाता है, कोई ऊपर को दबाता है, कोई नीचे दबाता है, जैसे जैसे पानी दबाएगा हम उसी हिसाब से ताकत लगाएंगे, तभी हमारी किश्ती चलेगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस किले के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये किला बनवाया। नहीं नहीं, ये कहानी क्या है? ये बात नहीं है। क्या है ये? ये किला राजा विराट का। हाँ। ये है पांडवों का सामने, ये पांडव रहे थे और गुफा में ही चले गए थे। हाँ। कोई बोलता श्रीनगर चले गए, कोई बोलता कहीं चले गए, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान की लीला भगवान ही जानेगी। तो ये राजा विराट कौन थे, क्या कहानी है इनका, इतिहास क्या? ये काफ़ी पुराने कहते हैं, बाकी जो आप रणजीत सिंह बोलते हैं या गुलाब सिंह बोलते हैं। हाँ। मोहम्मद गौरी का नाम सुना? हाँ। जो मुसलमान था। हाँ, हाँ। उसके पास करोड़ों की संख्या में थी फौज, और भारत के जो हमारे थे राजा थे, तकरीबन राजपूत ही होते थे। हाँ। इनके साथ काफ़ी जंग हुआ, तो कई बार हार जाते थे, क्योंकि जो गौ माता होती है जब जंग में वो आगे खड़े कर देते थे। अच्छा। गाय को आगे खड़े कर देते थे, हमारे वालों ने लड़ना नहीं, मुगल आगे खड़ा कर देते। हाँ, मुगल। हाँ। खुद लड़ना और हमारे वालों ने हार नहीं है। अच्छा, गाय को खड़ा कर देने से, गौ के खड़ा करने से हमारे वाले तो बार नहीं करते थे, गाय को ना लग जाए, ठीक है ना, तो वो हाल बार करते थे हमारे राजा, तभी तो हार गए। अच्छा, ये तो हारते थे। हाँ। मोहम्मद गौरी के 2 लाख सेना थी। हाँ। और ये था ना जो रणजीत सिंह। हाँ। ठीक है, और जिसमें गुलाब सिंह है। हाँ। इसके साथ का युद्ध हुआ था। किसका? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने ढंग से उन पर आक्रमण किया। हाँ। इनकी सेना काफी कम थी, फिर भी वो जीत गए। किस ढंग से जीते? अपने दिमाग से जीते। उसमें जो जिसको हमने क्या बोला, गुलाब सिंह है, उसने अपने दिमाग से काम लिया और उनको हराया। लेकिन महाराजा पीछे से बार किया, दोनों तरफ से बार की। महाराजा रणजीत सिंह का इस जियोपोता घाट के साथ क्या संबंध है, ये कहानी? तभी उन्होंने बोला कि ये काफी बहादुर है। हाँ। कि जम्मू कश्मीर की रियासत को संभाल सकता है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा। हाँ। फिर उन्होंने इसको जम्मू का महाराजा बनाया, गुलाब सिंह जी को। जियोपोता घाट, जियोपोता वृक्ष का नाम होता है। ओके। इधर वृक्ष था। इसमें 1822 को जहाँ पर राज तिलक हुआ था। लेकिन पुल से लेकर इधर नीचे तक आप जाएंगे, काफ़ी एरिया इधर, काफ़ी मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, माता का मंदिर है, काफ़ी मतलब बहुत बार
माता का मंदिर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष है अब यहाँ पर? नहीं, अभी टूटा हुआ है वृक्ष, वो है उधर नया पार्क लगा ना मंदिर के साथ, हाँ उधर लगाया हुआ है। अच्छा, जिया पोता वृक्ष। जिया पोता वृक्ष, मतलब लोग तो जियो पोता घाट कहा करते थे। घाट घाट मैंने जगह हो गई, वास्तव में ये वृक्ष का नाम है। वृक्ष का नाम उसी के नाम पर पड़ा, उसके नीचे राजतिलक किया गया। राजतिलक, तो राजतिलक की कहानी क्या है, कुछ धारणा क्या है, वो हाथ से राजतिलक कर रहे हैं, कुछ बातें और भी कही जाती हैं? नहीं, उसके लिए हम तो हमारा जन्म काफ़ी बाद में हुआ, हम उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं। तो ना ही हमारे पिताजी ने, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी हमारे से, फिर भी जो उनके पास ज्ञान था, हमने उन्हें काफ़ी बातें पुराने ज़माने की बताई हैं। संताली में उनकी उम्र थी 12 साल, तो उन्होंने उसके लिए बुलाया, क्या हुआ हमारे महाराज के साथ, क्यों देश का बंटवारा हुआ या कुछ भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हैं, वो है अंबाराम जगह, अंबाराम नया, हाँ उधर मिले हैं पुराने। हाँ, यहाँ से भी मैं जब नीचे आ रहा था तो एक मंदिर है ऊपर, यहाँ से ये पीछे से गाँव के बीच में से है, तो वहाँ पर एक मंदिर था, वो शिवलिंग टाइप जगह है और उसमें एक मूर्ति टाइप लग रहा था, वो ऐसे लग रहा है कि बुद्ध की मूर्ति थी। वो है कहाँ पर है? ये नीचे उतरते हुए यहाँ से शिव जी का जो पुराना रोड है, छोटा सा मंदिर है। हाँ, काफी मंदिर है वहाँ, पांडव गुफा। हाँ, मंदिर किसने बनाया, किसी घर वाले ने पूजा के लिए, शिव जी का है बनाया हुआ है। शिव जी का मंदिर इधर से लेकर इधर तक 7-8 है। अच्छा अच्छा, तो माता वैष्णो जगह भी इधर है, इसमें दारोमदार पुल है इधर, काफ़ी जो 1971-72 में पाकिस्तान ने काफ़ी उसको बिगाड़ने की कोशिश की। हाँ, पुल को बिगाड़ने की कोशिश की, या जम्मू वाला पुल को तोड़ने की कोशिश की, वहाँ बाबे वाली माता ने काफ़ी रक्षा की है। हाँ, हमारे पिता जी बताते थे पहले, हाँ, हमने तो चलो पुराने जो बताते थे उनकी बात सही होती है। हाँ, 12 बजे रात को माता की एक तोफ चलती थी। हाँ, ये बात सुनी है हम लोगों ने, ये आवाज़ हुआ करती थी, आवाज़ होती थी। हाँ, बाबे वाली माता काफ़ी जम्मू के लोगों की काफ़ी रक्षा करती है। ये पाकिस्तान में कितनी सच्चाई है, वाकई में ये था? नहीं, सच्चाई, हाँ होता था ऐसा। हाँ, ऐसा तो समाने पर अभी थोड़ा काल युग आ गया, उसकी वजह में भी थोड़ा चेंजिंग आ गया। नहीं, पहले तो 7 युग की बातें हैं। अच्छा, 7 युग और कल युग में क्या है, क्या फ़र्क है, अंतर क्या है, आप क्या समझते हैं 7 युग कल युग क्या क्या अंतर क्या? वो समय सच्चाई थी, तो अभी झूठ है 90% झूठ, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। हाँ जी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कलम युग है, जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब उन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, सतयुग में उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो सतयुग नहीं, वो तो नहीं, सतयुग में लोगों को भगवान पर ज़्यादा भरोसा था। हाँ, देवी देवताओं पर पूरा भरोसा था, उनके मन में गलत ख्याल ही नहीं आता था। अच्छा, सभी बोलते 33 करोड़ देवता, हाँ, और सभी देवता का समान, हाँ, माननीय पूजने वाले लोग थे, तभी सब कुछ ठीक। अब तो हर घर में लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत दिखावे के लिए कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मन में नहीं है? मन में नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो दरिया है, हाँ जी, कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह की फेवरेट जगह थी ये, वो से अपनी आँख का नूर मानते थे, लेकिन आज लोग नहीं, वो उसकी बात नहीं है कोई, मैं बात कर रहा हूँ, आज लोग जो जम्मू के लोग हैं, यहाँ इधर के लोग हैं, वो सुबह इस इलाके का नाम नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि पत्थरों का शहर, ऐसा क्यों? नहीं, पत्थर तो है ही, ऐसी बात नहीं है, नहीं, मगर नाम लेने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई वहम नहीं है। हाँ, वहम अपने दिल में आप जितना मर्जी बहा लो, वहम है, पर वह पत्थर है, पत्थर के लोग मकान बनाते हैं, कहीं बाहर चले जाएगा, एक ट्रक भी लेना होगा ना पत्थर, 50,000 यूपी में चले जाओ कभी, इधर तो चलो, इसमें हाँ, कोई जगह की कोई बात नहीं, लोगों का वहम है, जैसे कोई बोलेगा ऐसे करेंगे। हाँ, बाकी नाम लेने से कोई नहीं, नाम तो सभी अच्छे होते हैं। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए कि ये जो पुल है जो टूट करके बीच में गिर गया, हाँ जी, ये लोग कहते हैं कि ये पुल अंग्रेजों ने बनाया? नहीं नहीं नहीं, ये कहानी क्या है? कंपनी कोई और थी, मैं नहीं कह सकता अंग्रेजों ने बनाया, किसने बनाया, जो खर्चा था महाराजा हरि सिंह ने किया, हाँ, और 1934 में तैयार हो गया। हाँ, कंपनी कोई और थी, हो सकता अंग्रेजों की कंपनी होगी या कोई और होगी, उसके हाँ, बारे में कह सकते। लेकिन अंग्रेजों का पुल जो लोग बोलते हैं चाबी वाला पुल है, चाबी वाला पुल था जी, टूट गया, हम जहाँ के रहने वाले हैं पूरा ज्ञान है, तो पहले डाउन में था या टूट गया, उसको ऊपर किया, ऊंचाई इसका बढ़ाया, तो बाहर में है कोई, कलकत्ता में सब पहुँचते
सोचते हैं कि पुराना पुल है जिसमें रेलवे रेल चलती है, हावड़ा ब्रिज, गाड़ी हावड़ा ब्रिज, उसके लिए कहा सकता है, लेकिन चुनाव के लिए चाबी के लिए नहीं है सर। ये चाबी वाला पुल नहीं था? नहीं नहीं। फिर लोग ये बातें करते हैं कि वो पुल चाबी से बंद हो जाता नहीं, था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो ना, कई लोग बोलते हैं जी हम एक काम करो, मैं क्या बात है, जा रहा हूँ सोनी महल, सोनी महिमाल का जो मंदिर है वो दिखाओ। मैं इधर तो कोई नहीं आनी है, लोग बाहर के बोलते हैं कि अखनूर में सोनी महिमाल का मंदिर, मैं इधर तो कोई नहीं है। देखो पुरानी बात है, वह दे दरिया यही है, इधर सियालगढ़ ने कहा उधर उधर की बात, सोनी महिमाल की, मतलब गढ़ में तैरती थी रात को अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को समझो मिलने जाती है। एक दिन धोखा हो गया, ठीक है, कच्चा रख दिया गया, बस वो डूब गई। जब उसने लड़के को आवाज लगाई, लड़का उसको पकड़ने आया, ऐसी बात नहीं, ये कौन किसी के लिए मरता कोई, हम मरना तो मरने, तो आजकल जमाने में हकीकत है, तभी उनका नाम चल रहा है। उसने बचाने की कोशिश की और जब उसकी बाजू पकड़ी दोनों, ये बात हकीकत, हकीकत ये है, हकीकत जी। बाकी ठीक है, कलाकार जाए जो मर्जी बोलने, लेखक अपनी मर्जी, आजकल हमें कौन जानता, हम तो अनपढ़ का, हमें तो अनपढ़ गुवार लोग समझते, ऐसी बात मैं समझूं, तो जो जिसकी चलती है भाई, जो बोलेगा वही से ठीक है, ये बात, ये हिल रही है वो, हाँ पानी है ना ऐसे ऐसे, तो पानी के साथ हमारा दिल भी हिल रहा है। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लहरें हैं, लहरें हैं, ये लहरें बड़ी खतरनाक, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब स्मूथ हो गया यहाँ पे, काफी मजबूत किश्ती है, 50 क्विंटल वजन उठाने में क्षमता है इसमें, अच्छा, और काफी, लेकिन अच्छा इसकी गहराई कितनी है? गहराई इधर सेंटर में अभी तो 20 के लगभग ही है, और जो ऊपर वाला पोल है उधर किनारे भी काफी गहरी है। लेकिन कोई लोग ये कहते हैं कि अखनूर दरिया का तला नहीं है भाई, पताल नहीं है भाई, जो चीज गिर जाती है वो दिखती नहीं है, तला हर जगह है, गहरा है। खैर अखनूर में तो इतना नहीं है, बाकी किश्तवाड़ डोडा में गाड़ी गिरेगी, और रोड काफी ऊंचा होता है, और दरिया डाउन में होता है काफी, कहाँ गिरेगी कहाँ निकलेगी, ये और पानी तेज है, बीच में चट्टाने हैं, पत्थर हैं, पानी काफी शोर करता है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए कि जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो कहाँ कहाँ जाएँ, क्या देखें, मतलब आएँ कहाँ से, पहले क्या देखें, फिर उसके बाद क्या देखें, क्योंकि आप लोग बेहतर बता सकते हैं, कई सालों से आप लोग यहाँ पर हैं। गुरुद्वारा भी जाएँ, अच्छा देखने वाला, देखने का एक है, अच्छी सेवा है, चाय पी हो, मत्था टेक, सब कुछ है, और पांडव गुफा है जो भी प्राचीन है, काफ़ी देखने वाले, अगर जिया पोता घाट है, काफ़ी मंदिर है, और एक कामेश्वर मंदिर है, कामेश्वर मंदिर, हाँ जो उन्होंने भाग लिया था महाभारत में, महाभारत में, महाभारत में उन्होंने भाग लिया था कृष्ण के साथ, जब कृष्ण ने उनकी गर्दन काट दी थी, वो काफ़ी शक्तिशाली थे, अच्छा, नहीं तो अगर वो नहीं ऐसा होता तो वो कौरव जो है युद्ध जीत सकते थे। महाभारत में भी शलकप्त हुआ, हरेव हुआ, और मानते हैं आप ये चीज, शलकप्त हरेव हुआ, झूठ, सच कौन बोलता था? जब ऐसा युद्ध चल, जब एक पक्ष झूठ बोले थे समझता, अगर हर तरफ झूठ ही चल रहा थे, बोलता यार हर जगह झूठ चल रहा था, हमको भी थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने पाशा पलटे जाएगा, हम जंग जीत जाएंगे, ये बात। मतलब एक चीज है कि अगर पांडवों की तरफ से या कौरव की तरफ से जो युद्ध हुआ, अगर इधर से कोई सच बोले या झूठ का सहारा ले तो वो ठीक, अगर वहाँ से ले तो वो गलत, ऐसा क्यों? उसमें दोनों पक्ष में झूठ ही चला था। ये आदमी बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे, कुलदीप आपका नाम है, हाँ जी कुलदीप, कुलदीप ने बहुत सही बात की कि दोनों तरफ से झूठ, और इसके बीच में उसमें ज्यादा जो था मामा शगुनी था, उसी की वजह से हुआ, बस उसने ऐसा बीज बोया, सत्यानाश उसी की वजह से हुआ, ये तो महाभारत को बढ़ाया भड़काया, तो थोड़ा शलकपटी था, शलकपट जो है हर समय थोड़ी चलता है, फिर उसे क्या मिला उसके बाद में, क्या बस जिंदगी खत्म हो गई, मतलब सत्यानाश करवा दिया, सत्यानाश, और कई राजा थे जो वो भी मारे गए, वो 5 पॉइंट ही बजे, और क्या बजा, तो लीला कृष्ण की थी, जब उनको बहुत मन में आ गया कि भीम को आ गया, अर्जुन को मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैंने युद्ध जीत लिया है, वो सब कृष्ण की ताकत थी, कृष्ण की चाल थी, बाकी वो नहीं जीत सकते थे, कृष्ण ने जीता, कृष्ण उनके साथ एक बार उनका भी
कृष्ण ने एक बार उनका प्रश्न किया था उनके साथ, हमने जीता है तो जो ऊपर उनकी जो काम स्थित वाले हैं उनकी गर्दन काट के उन्होंने वृक्ष के ऊपर टंगी थी, उन्होंने बोला हम भाई इसका सबूत ले लेते हैं किसने जीता है। तो जब उसने देखा तो भाई कौन युद्ध में कौन लड़ रहा था, उसने सच ही बोलना था, उसने बोला कृष्ण ही लड़ रहे थे। तब उनका जो है व्यायाम खत्म हो गया, जब माया थी वही थी। कुलदीप जी कितनी उम्र हो गई है आपकी, उम्र कितनी है? हो गई कोई 58 ईयर्स। 60 को टच कर रहे हैं अब। कितना पढ़े हैं आप? पढ़े हैं कोई 12वीं तक। 12वीं तक काफ़ी नॉलेज रखते हैं धार्मिक इन चीज़ों से जुड़ी हुई आप। समय की बात है सर। ये जानकारी आप काफ़ी रखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ, है ना? हमारे पिताजी सब बातें हमें बता कर गए हैं, लेकिन बेचारे पढ़े तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो हम काफ़ी हमने उन्हें काफ़ी शिक्षा दे के चले गए बेचारे, जाना है। आपने नौकरी की 12वीं पढ़े हुए थे, आप नौकरी की तरफ ट्राई क्यों नहीं किया? ये कश्ती नहीं, ट्राई भी किया था, कोई किस्मत का खेल है जी। मानते हैं किस्मत नाम की कोई चीज़ है? किस्मत है पक्का है, किस्मत नौकरी लगी हुई थी, किसी गड़बड़ हो गया, कोई मान नहीं मानना, कोई मतलब नौकरी नहीं की, छोड़ दी। की थी कोई 4 साल। किस डिपार्टमेंट में थे आप? ग्रेफ में वो चिट्ठी चुट्ठी टाइप करते थे। हाँ, तो उधर भी 800-900 रुपया देना और सुबह 6 से लेकर शाम के 10 बजे तक चिट्ठियाँ टाइप करते रहना, तो 800-900 में क्या बनता है। अच्छा, 900 रुपये तनख्वाह थी? 990 रुपये। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए झूठे, करते हैं बड़े लोग अफसर लोग गड़बड़ी, तो हम ऐसे ही निचले टाइप के मुलाज़िमों को फंसा देते हैं। ये हुआ है आपके साथ? फिर नौकरी छोड़ दी आपने? अच्छा, मुझे कुछ और बताइए इसके साथ जुड़ी हुई, कुछ जानकारी दीजिए जो लोगों को नहीं पता है, वो बताइए, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, वो बताइए, बड़ी सारी जो भ्रांतियाँ हैं, बहम हैं, वो दूर हो जाए लोगों के। किश्ती का देखा जाए काफ़ी महत्व है, ऐसी बात नहीं है। किश्ती और इंसान की मैं आपको बात बताऊं, आपको अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा आप उसके पर चलेंगे आपका जीवन सफल, मतलब उनके दिखाए मार्ग पर अगर चलते चलोगे। हाँ, किश्ती है, इसको अच्छा कार्य लगा है, अगर मला अच्छा है, मला भी अच्छा चाहिए, बनाने वाला अच्छा है, तो देखो सामने हकीकत है, इसको लोहा भी लगा है, फिर भी तैर रही है, फिर भी तैर रही है भाई। अब आप अच्छा आपको गुरु मिल जाए, उसी के ऊपर विश्वास करो, उसी को सब कुछ मानो, किसी का दुख ना करो, ठीक है ना? बाकी अच्छा, वो गुरदास मान का गाना सुना होगा आपने जो कश्ती को लेकर के गाया था? नहीं मैंने सुना गुरदास मान। कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। अच्छा, अब इतना दिमाग है, हम कोई कलाकार थोड़ी है। कलाकार हैं जनाब आप? नहीं ऐसी बात नहीं, अगर गाना अब अच्छा कोई गाना, अगर इधर आइए बैठ के बात करते हैं, इधर आइए बात कोई नहीं है गाने की, आदमी चलो गाना गाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना। एक चीज बताइए कुलदीप जी, आप खुद के बारे में बताइए, ये तो लोग जानते रहेंगे, इतिहास लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खुद के बारे में बताइए अपने बारे में, और गाना वाना गाने के शौकीन हैं? गाना गाना नहीं, कोई शौकीन नहीं, सुनते हैं गाने, कोई काम कोई खास नहीं। हाँ, क्या शौक? कोई तमन्ना नहीं है मन, कोई बिल्कुल तमन्ना नहीं है, तो बिना तमन्ना के तो जिया नहीं जाता जाएगा। नहीं है, थोड़ा परिवार को पालना, बच्चों को आगे थोड़ा बढ़ाना पड़ा, मतलब रहना ही पड़ता है, बाकी इतनी तमन्ना नहीं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए, हमारे पास गाड़ियाँ आए, हमारे पास ज़्यादा महल बन जाए, ऐसा क्यों? ऐसा है ही नहीं, खत्म हो गया। लोग भाइयों को भाई मार रहे हैं, यहाँ पर महाभारत की बात आप बता रहे थे, एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। हाँ, कुल के कुल समाप्त हो गए, और आपकी इच्छाएँ अभिलाषाएँ ख़त्म हो गई, ऐसा क्यों? समा आने पर होता सब, बाकी ऐसी बात नहीं, हमारे भाइयों में अच्छा प्यार है, भाभीियों के साथ, भरजाइयों के साथ, हमारे घर में तो सब ठीक चल रहा है, जो पिता ने बताया हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जमीन का खत्म वो नहीं है, रिश्तेदारी में जाओ गांव में किसी के साथ किसी की लड़की को बुरा समझा या दूसरी जात के साथ विरोध किया, हम तो सब भगवान की देन ही समझते हैं, भगवान के ही, मतलब सबको एक जैसा समझते हैं, एक जैसा। मैं सभी गुरुओं को वंदना करता हूँ, ऐसी बात नहीं, जी अन्य साहब बंदी हैं या दूसरे हैं या दूसरे जो भी दुनिया में, मतलब जो इस दुनिया में है आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं, एक नज़र से सभी को, ये बड़ी चीज़ है, हालांकि परेशानी यही रहती है, बाकी कोई ऐसी नहीं। तो
चलिए आपके साथ कुलदीप जी बात करके अच्छा लग रहा है। आपका ये जो प्लेस है जहाँ पर ये किला है, नीचे जियोपोता घाट है, पांडव गुफा है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, इन 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 सब ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर के पर्यटन स्थल बन जाना चाहिए था, पर्यटकों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? भाई सरकार की बात है सर, क्यों सरकार क्यों नहीं चाहती कि ऐसा? कुछ नहीं कह सकते। आप सुना रहे थे कि गवर्नर को कोई फाइल मूव की है? फाइल मूव की है। क्या साइन कब की थी? हो गया 2-2.5 साल। कोई रिस्पांस आया उसका? कोई खास नहीं, ऐसे भेजते हैं उधर भेजी है फाइल, उधर भेजी है। मतलब वो फाइल हवा में घूम रही है, इस टेबल से उस टेबल, ऐसे 2 साल से। हाँ चले अभी, हाँ चलिए चलते चलते बात करेंगे, थोड़ी बात चलती रहेगी। और बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद, मेरे ख्याल से जितनी मेरी उम्र हुई है उस उम्र में, मतलब 37 साल की उम्र में मैं पहली बार इस दरिया के अंदर इस कश्ती के वजह से और कुलदीप की वजह से इसका आनंद उठा पाया हूँ। हालांकि ये दरिया चनाब जो है इसे बड़ा प्यारा माना जाता है, खूबसूरत माना जाता है, इसका ये हरा रंग। कुलदीप भाई, ये हरे रंग की कहानी क्या है? साफ पानी कुदरती है। हाँ, इसलिए ये मट्टी है, नीचे बैठ जाती है ना। हाँ, बिल्कुल साफ चलता है। तो ये हरा पानी और इस पानी की ठंडक को महसूस किया जा सकता है जब इसके बीच में हम बैठते हैं, इस कश्ती के बीच में। कुलदीप भाई का हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने एक आधा घंटा एक घंटा हमें इस दरिया चनाब का सैर करवाया और इसके इतिहास के साथ जुड़ी हुई जानकारी दी। हालांकि वो जानकारियां जो हैं उनकी हम तो पुष्टि नहीं कर सकते। कुलदीप जी भी ये कहते हैं कि उनके पिता ने जो उन्हें बताया उसी चीज़ों को वो बता रहे हैं। इससे थोड़ा पीछे चले जाएँ तो अम्बारान है, जहाँ से बुद्ध के प्राचीन अवशेष जो हैं, मूर्तियों के और बुद्ध स्तूप जो थे वो मिले थे। यहाँ पे ये पांडव गुफा बताई जाती है, यहाँ कहा जाता है कि पांडव जो हैं वो आए थे यहाँ पर। उसके आगे जियोपोता घाट है और ऊपर किला है, और किला जो है वो क्या बताया आपने, राजा विराट? हाँ, राजा विराट, राजा विराट ने जो है वो किला बनाया था। और इस किले का इतिहास क्या है, और जियोपोता जो घाट है, जियोपोता एक पौधे का नाम बताया जाता है, वो पौधा है जिस पौधे के नीचे बैठकर के राज तिलक जो है वो किया गया था। और ये आदमी बहुत गुस्से में है भाई, कौन है ये? वो ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही, कोई बात नहीं, आप करो अपना काम। हाँ, हम करें, कुछ लोग, हाँ गुस्सा भी आ जाता है कुछ लोगों को। ये आपके भाई हैं? नहीं, ऐसे ही है, कोई है घर में, थोड़ी फंक्शन थोड़ा। अच्छा, फंक्शन है। तो ये चलिए ठीक है, ये घर हर घर की परेशानी है, कोई ना कोई बंदा होता है जिसमें थोड़ा सा गुस्से की भावना ज़्यादा रहती है। उनका खाना खाने का टाइम हो गया तो वो दिखाइए जरा उनको। कोई बात, अपना काम करो। तो वो ये कहते हैं कि चलिए कुलदीप जी खाना खा लीजिए, खाना खाने का टाइम हो गया है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि बीच में हम लोग बैठ करके इन्हीं के इस इलाके की, इस दरिया की जो है वो कहानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। मेरी 37 साल की उम्र में पहली बार मैं इस दरियाए चनाब में उतरा हूं और कुलदीप जी की वजह से जो इतिहास है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भी ये सोचता हूं ये इतिहास आप सब तक पहुंचे और आपको पता चले कौन राजा विराट थे, महाराजा रणजीत सिंह की क्या कहानी है, गुलाब सिंह जो है उनका उनसे क्या रिलेशन था, वो सारी कहानी कुलदीप जी ने बताई। लेकिन कुलदीप जी, एक चीज़ और है, लोग महाराजा गुलाब सिंह की बात करते हैं लेकिन वहीं पर मियां डिड्डो की बात नहीं करते, वो क्यों? इसका लोगों को ज्ञान कम है मेरे। हाँ, मतलब सही कौन था, महाराजा रंजीत सिंह ठीक थे जहाँ वो ठीक थे मियां डिड्डो? नहीं, उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी है ही नहीं, ना कहीं सुनी है, ना किताबों में कभी पढ़ा है, मैं क्या कहूँ। ये देखिए, ये एक विडम्बना है, गुरीला वार करते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के हकों को बचाने के लिए, जिसने लड़ाई लड़ी, मियां डिड्डो जो हैं उन्हें लोग कम जानते हैं, ना जाने क्यों ऐसा हुआ, उनके बारे में नहीं बताया गया। हम किसी को गलत या ठीक नहीं ठहराते क्योंकि इतिहास है, इतिहास में जो जानकारियां हैं वो हम बताने का प्रयास करते हैं। बहरहाल
आज अखनूर में हैं और अखनूर के दरिया की कहानी और अखनूर को पत्थरों का शहर क्यों कहा जाता है, इस किले की कहानी क्या है, बड़े सारे लोग महाराजा रंजीत सिंह से जोड़ करके बात करते हैं। कुलदीप कुमार ये कहते हैं कि ये किला महाराजा विराट का है और विराट महाराजा कितने पुराने हुए, कब हुए वो पता तो नहीं है, लेकिन ये किला उनकी द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर तैयार किया गया है। क्या कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ यहाँ के लोग जो कहते हैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग शायद अब कश्ती में बैठने के लिए आ चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी इस कश्ती का सफ़र करें, यहाँ से उस पार जाएं, जाना चाहते होंगे। तो इस खबर को या फिर इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा शेयर करिए, कोशिश करिए कि इस जियोपोता घाट की और इस दरिया चनाब की कहानी लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये कहानी लोगों से जुड़ी हुई है और लोग इस पार के क्या सोचते हैं, उस पार के क्या सोचते हैं, वो पत्थरों का शहर क्यों कहते हैं, हकीकत में ये बहुत प्यारा शहर है और इस प्यारे शहर को पत्थरों का शहर क्यों कहा गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दरिया चनाब की जो कहानी है, सोनी महिवाल की कहानी जो चलती है, वो कहानी क्या है, इन्होंने कहा कि ये महाभारत से जुड़ी हुई, सोनी महिवाल से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमें बताई हैं। तो ये कहानी दरिया चनाब की, दरिया चनाब के बीच में बैठ कर के जो रिकॉर्ड की है, कैमरा के पीछे आज मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, उनका नाम लूं या ना लूं, अगर लूं तो वो गुस्सा ना कर जाए और अगर गुस्सा करते हैं तो मेरा क्या है भाई तो तेजिंदर पाल सिंह मेरे भाई, थोड़ी देर पहले मैं उनका कैमरा ऑपरेट कर रहा था, अब उन्होंने मेरा कैमरा ऑपरेट किया है और ये सारी कहानी आपको दिखाने की कोशिश किया है। अगर विजुअल्स में कोई ठीक से नहीं हो तो आप तेजिंदर पाल सिंह को जो है वो कमेंट करके, आपसी साझ टीवी पर कमेंट करके बताइए कि विजुअल ठीक नहीं आया है तो अगर ठीक आए हैं तो उनको बता सकते हैं कि उन्होंने जो शूट किया है बड़ा अच्छा शूट किया है। तो ये कहानी है दरिया चनाब की, देखिए और इसे शेयर करिए ताकि जम्मू का इतिहास आप लोगों तक पहुँच सके। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसकी पुष्टि हम कभी नहीं करते, हम सिर्फ वही बताते हैं जो लोग कहते हैं।